नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन साहू और आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा ईयरबैग्स या कान का मैल यदि बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो उसको कैसे निकाला जाए, कैसे रिमूव किया जाए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ईयरबैग्स या कान का मैल होता क्या है या कैसे बनता है। तो ईयरबैग्स हमारे कान के लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज़ होता है। यह हमारे कान के जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें जो ईयर कैनाल होता है उसके स्किन से निकलने वाले सीबम, कुछ ऑयली मटेरियल्स, पसीना इत्यादि से और कुछ डेड सेल इत्यादि से मिलकर बना हुआ एक पदार्थ होता है जो चिपचिपा लसदार होता है और यह हमारे कान को एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर से आने वाले कोई भी धूल, कोई भी कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि को वह अपने ऊपर चिपका लेता है और हमारे कान के अंदर जाने से बचाता है, हमारे कान को इन्फेक्शन से बचाता है। लेकिन यदि यह बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जमा हो जाए और वहाँ पर चिपक जाए, एकदम कठोर हो जाए, उसके वजह से आपको परेशानी होने लगे, तो उस कंडीशन में इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कान में यदि बहुत ज़्यादा मैल जमा हो जाए, ईयरबैग्स जमा हो जाए, तो उसके वजह से कानों में दर्द, बहरापन, कम सुनाई देना, कान में खुजली होना, कान में घंटी जैसा आवाज़ होना, ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। साथ में किसी किसी मरीज में इसकी वजह से चक्कर भी आता है और सिर दर्द भी हो सकता है। ईयरबैग्स को बाहर निकालने के लिए मेडिकल स्टोर में एक दवाई आती है, एक ईयर ड्रॉप आता है जो क्लियर वैक्स या वैक्सोनिल नाम से आता है। इसमें कुछ ऐसी दवाई होती है जो वैक्स को मुलायम बनाती है, यदि वह कान से चिपका हुआ हो तो उसे छुड़ाती है और धीरे धीरे उसको घोल कर कान से बाहर निकालती है। इस ड्रॉप को आप 3 से 5 बूंद 5 से 7 दिन तक डालिए, उसके बाद में फिर एक सिरिंज से, एक 5 ml का एक आप सिरिंज ले लो, उसमें से नीडल निकाल लो और उस सिरिंज में साफ पानी भरकर आप कान के अंदर टिका कर जोर से पिचकारी मारो तो जो घुला हुआ वैक्स रहेगा, जो बचा हुआ रहेगा, वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। या फिर आप ईयरबड्स या कान साफ करने वाले जो स्टिक्स आते हैं उससे हल्के हाथों से वहाँ पर साफ कर सकते हैं। यदि आपके कान से मवाद आ रही हो, आपके जो कान का जो ईयर ड्रम है वो फटा हुआ हो, या कान में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो, कान में किसी प्रकार की इंजुरी हो या घाव हो, तो उस कंडीशन में आप सिरिंजिंग का उपयोग न करिए। सिरिंज से जो पानी डालने वाला जो प्रोसीजर उसको न करें, आप ईयरबड्स है उससे ही हल्के हाथों से साफ करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।